पक्षी है, विदेशी पक्षी है टिटोनी। प्रिय मित्रों, अगला सवाल दसवां है, कौन सी पक्षी आपको जो जमीन पर कभी भी हमारे देश में नहीं रखती, एनवायरमेंट के बारे में बहुत से सवाल है, एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है, हमारे देश का एनवायरमेंट कहा जाता है तो है पर्यावरण जो है वो। और अगला सवाल है किस देश यहाँ तक कि पीने का पानी उस देश का नाम प्रदूषण नहीं रहता है, बहुत बृहद मात्रा में हो रहा है और एयर पोल्यूशन तो बढ़ी रहा है, तो इसका मुख्य कारण क्या है आपके लिए मैं बना रहा हूँ। और अगला है किस अभी अमेरिका की जो रिसर्चर आए थे राजस्थान और गुजरात में, उन्होंने करीब 35 जिले के कुएं का पानी लिया, तो उसमें उन्होंने देखा कि इतना ज्यादा आर्सेनिक की मात्रा है, इतना ज्यादा मात्रा है कि वो पानी पीने योग्य ही नहीं है। दूसरी बात ये कि हमारा एनवायरनमेंट जो है, पर्यावरण जो है, एयर पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, तो एयर पोल्यूशन बढ़ने का मुख्य कारण आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ना और पेड़ की संख्या कम होना, और जो कल कारखाने हमारे देश में लगे हैं उनसे निकलने वाले जो दूषित पानी होते हैं जिसमें केमिकल के तमाम मात्रा में होती है, तो उस पानी को नदी के तरफ वो ले जाते हैं, नाले की तरफ ले जाते हैं, तो जमीन से होकर के ले जाते हैं, तो वो आर्सेनिक क्रोमियम लेड की मात्रा इतना ज़्यादा होती है, वो जमीन की मिट्टी को भी प्रदूषित करती है, और जब वो पानी समुद्र में या नदी में या और नालों में गिराया जाता है तो समुद्र नदी नाले के पानी भी दूषित हो जाते हैं, जिससे उसमें जलचर प्राणी जो होता है उनका जीना भी दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि वो पानी दूषित हो जाता है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि मछलियाँ अपने गलफड़ों से ही सांस लेती हैं और पानी में जो घुलित ऑक्सीजन होता है उसी से वो सांस लेती है, तो जितने जलचर प्राणी हैं उनका भी जीवन खतरे में है। इससे बचने के लिए यही करना है, क्या करना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस कंपनी कारखाने से दूषित पानी निकल रहा है उसका रिसाइकलिंग करें, ट्रीटमेंट करवाएं और तभी उनको लाइसेंस दें। दूसरी बात यह है कि हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो चिमनियों से निकलने वाले धुएं एक मुख्य कारण है। दूसरा कारण यह है कि हमारे यहाँ एक प्रथा से चल आई है, एक क्रेज बन गया है, सोसाइटी क्रेज बन गया है कि हम कोई बर्थडे मनाएंगे तो कम से कम 25-50 हज़ार का पटाखा फोड़ेंगे, और कोई नेता जीता तो पटाखा फोड़ेंगे, दिवाली आएगा तो पटाखा फोड़ेंगे, दही हंडी आया तो पटाखा फोड़ेंगे, गणेश पूजा आया तो पटाखा फोड़ेंगे, मतलब पटाखा फोड़ने का एक शौक बन गया है। तो पटाखा फोड़ने से आपको मालूम है ना क्या प्रदूषण होता है, एक तो वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी होता है, और ध्वनि प्रदूषण वो एयर पोल्यूशन से भी बहुत खतरनाक होता है। तो इस तरह से हम अगर अपने इस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें, बिना पटाखा फोड़े अगर हम बर्थडे, शादी, होली, दीपावली ये सब त्यौहार मनाएं, और क्या इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन का मुख्य कारण क्या है कि हमारे यहाँ पेड़ की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, तो जो जंगल है उनको काटा जा रहा है, वहाँ पे बड़े बड़े टावर खड़े हो रहे हैं, पेड़ पहाड़ पर लगे हुए पहाड़ को ढाया जा रहा है, तो पहाड़ों पे जो पेड़ होता है वो पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो पत्थर को जकड़ के रखती हैं, अगर आप पेड़ को ही काट लेंगे पहाड़ों पर से तो पत्थर के बीच का जो कम्बिनेशन होता है वो ढीला पड़ जाता है, और जब बारिश होती है तो पूरा का पूरा जो पत्थर है वो लैंडस्लाइडिंग हो जाता है, खासतौर से उत्तराखंड में बादल का फटना और जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में ये समस्या बहुत ही जटिल है। तो हम सभी मित्रों से यही अनुरोध करेंगे कि पीने योग्य पानी के लिए एक बात और आपको बता दें कि जिस लोग अपने घर में आरओ लगाए हैं वो आरओ का टीडीएस चेक करा लें, अगर आरओ का टीडीएस 100 के बिलो है, 100 के नीचे है तो पानी पीने योग्य नहीं है, और आरएस का आरटीडीएस अगर आरओ का 100-150-200 के आसपास है तो पानी पीने योग्य है। बिसलरी का पानी हम पीते हैं, कि बिसलरी का पानी बड़े शौक से पीते हैं कि बहुत शुद्ध पानी है, सबकी मेंटेलिटी यही रहती है बहुत शुद्ध पानी है, मैं आपको बता दूं बिल्कुल शुद्ध नहीं है वो, क्योंकि उसका टीडीएस सही नहीं है। और दूसरी बात ये कि पहले मिनरल्स वाटर आप देखें बॉटल पर लिख के आता था, अभी पैकेज वाटर लिख के आता है, मिनरल्स वाटर नहीं लिख के आता, तो
तो जो पैकेज वाटर है इसका मतलब कहीं से भर के ढक्कन लगा के उस पर लेबल लगा के आप तक पहुंचाया जाता है। तो प्रिय मित्रों इस पर ध्यान दीजिए। और पीने के पानी की योग्य में सबसे बढ़िया है कि मटके का पानी, और नहीं है तो पानी को उबाल करके ठंडा करके रख दीजिए और वही अपने पूरे परिवार को पिलाइए। आरओ से कई गुना स्वच्छ पानी आपको मिलेगा। तो मित्रों मेरा यही उद्देश्य रहता है कि मैं आपको सचेत करता रहूं आपके जीवन के प्रति, आपके परिवार के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति। जितना हो सके हम आप करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद।